आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आज है 5 जून और आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो आप सभी दोस्तों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ पौड़ी में और लिफ्ट लेते लेते मैं पौड़ी पहुँच गया हूँ। तो बहुत ही भयानक बारिश लग चुकी है दोस्तों और सारे लोग अभी फील्ड में घूम रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग डोरी लेके आ रहे हैं कलर से। दोस्तों एक प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आपसे दोस्तों का मेरी इस प्यारी सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से और इन घने जंगलों से, तो दोस्तों जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है ठीक गुड़खिया से। तो दोस्तों अभी मैं हूँ गुड़खिया में और यहाँ से मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो मुझे जाना है दोस्तों पौड़ी साइड, तो यहाँ पर मुझे भाभी लग रही थी, तो यहाँ से मुझे जाना है गुड़खिया से पौड़ी। दोस्तों आज हो गए हैं 5 जून और आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो अभी मैं हूँ घने जंगलों के बीच यानी कि गुड़खिया में और देखिए अभी तो यहाँ देखिए आप लोग एकदम चिड़ियों की, बच्चों की, पक्षियों की चहक। तो चलिए दोस्तों मैं जा रहा हूँ गुड़खिया से पौड़ी की ओर और मुझे भाई जी ने बैठा दिया है, लेन की लिफ्ट दे दी है। तो इन खूबसूरत जंगलों के बीच खूबसूरत नज़ारे और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। दोस्तों आज है 5 जून और आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो आप सभी दोस्तों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में आप लोग पेड़ लगाएं और पेड़ों यानी कि वनों की रक्षा करें और वनों में आग ना लगाएं, मैं यही बोलना चाहूँगा आपको। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा के लिए आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। तो अभी मैं आ गया हूँ पौड़ी में और लिफ्ट लेते लेते मैं पौड़ी पहुँच गया हूँ। तो आज है दोस्तों फिर से मेरा पेपर, तो आज हो गई है 5 जून और 5 जून को भी मेरा पेपर था। तो इससे पहले मेरा जो पेपर था वो था 31 तारीख को और उससे पहले था जो 27 तारीख को। तो पौड़ी की खूबसूरत वादियों से मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। है विकास भवन और मैं गया था विकास भवन में अभी दीदी जी को मिलने के लिए, तो देख सकते हो आप लोग। दोस्तों अभी मैं गया था विकास भवन में दीदी जी को मिलने के लिए। तो दीदी जी का एक चैनल है हिमानी पांडे नाम से, तो अपने चैनल में दीदी जी गढ़वाली मूवी भी डालती हैं, ब्लॉगिंग करती है। और हिमानी पांडे चैनल को आप लोग ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों अब जा रहे हैं हम पेपर देने के लिए। कॉलेज में हो गई है सजावट। ये क्या तो बहुत ही भयानक बारिश लग चुकी है दोस्तों और सारे लोग अभी फील्ड में घूम रहे हैं ऐसे करके। दोस्तों लगभग 4 बज चुके हैं और हमारा पेपर छूट चुका है। तो इतनी भयानक बारिश आई अभी कि बताऊँ क्या, बहुत ही तगड़ी बारिश। और बारिश के बाद देखिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एसी बीकॉम, जितने भी लोगों का पेपर था, चाहे बैक वाले हो बीए वाले हो, तो सभी ने पेपर तो छोड़ दिया है, पर बारिश की वजह से ना सभी लोग अभी रुके हुए हैं। तो यह है बीए ग्राउंड देख सकते हैं आप लोग और ठीक सामने पीजी ब्लॉक 8 वाले, तो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इतनी तगड़ी बारिश होने के बाद जितने कॉलेज के स्टूडेंट हैं अभी रुके हुए थे, बाकी कुछ लोग देखिए अब ठीक नीचे। तो बारिश थोड़ा सा रुकने के बाद सारे लोग जा रहे हैं घर की तरफ, ये देखिए आप लोग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो पौड़ी का खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ से दूर दूर जितने भी गाँव हैं, छोटे छोटे गाँव पहाड़ों के बीच बसे हुए, तो देखिए बारिश होने के बाद कितनी रौनक है, देखिए आप लोग कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो 4-5 दिन पहले जब आग लगी हुई थी, तो उसके बाद देखिए आप लोग, आग लगने के बाद आज बारिश हुई, तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो ये है कॉलेज वाली रोड जो कि अभी हाल ही में बनी है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम मक्खन जैसी रोड हो गई है और स्कूटी का सफ़र किया जा रहा है। जाएंगे भाई सीधा, तो एकदम दाव रोड भी देख सकते हो, हाथ छोड़ के चलाई जा रही है स्कूटी, दोनों के दोनों गिरेंगे। अबे भाई आराम से चला यार। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ सीधा घर की तरफ, तो पहले जा रहे हैं मार्केट में और आज किया जा रहा है स्कूटी का सफ़र, तो सब के साथ जा रहा हूँ मैं। और यह है दोस्तों विकास भवन की तरफ से। मैं कंडोला में और ऋषभ जा रखा है दुकान में सामान लेने के लिए, तो आज मैं सफ़र कर रहा हूँ ऋषभ की स्कूटी में, तो आज गुड़गांव तक ऋषभ की स्कूटी में ही जाना है। चॉकलेट, तो दोस्तों अभी ऋषभ ला रहा है चॉकलेट खाने के लिए। तो इधर की साइड देखिए आप लोग, धूप लगी है और बारिश भी हो रही है, तो ऐसे मौसम को पता नहीं, हमारे यहाँ बोला जाता है कि सियार की शादी हो रही है, यानी कि सियार का ब्याह हो रहा है। तो धूप लगी है और बारिश भी हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा कड़क की ठंड भी बढ़ चुकी है और बूंदाबांदी अभी भी लगातार दोस्तों हो ही रही है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सर्किट हाउस की तरफ और यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ तो बहुत ही तेज़ धूप लगी है और बूंदाबांदी भी हो रही है साथ साथ में। ये देखिए आप लोग, एकदम सड़कें आपको खाली खाली नजर आएंगी क्योंकि ना लोग सारे बैठे हुए हैं दुकानों पे। दोस्तों अभी मैं हूँ स्टेशन के बगल में और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तो ठीक आगे बज रहे हैं ढोल दमाऊ, ठीक सामने देख सकते हो आप लोग। और अभी ऋषभ गया है पतंजलि स्टोर में यहाँ दवाई लेने के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग, डोली लेके आ रहे हैं कलर से अच्छा। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, पंडित जी का स्वागत, तो मुझे लग रहा है कहीं भागवत है तो उसके लिए, तो देख सकते हो आप लोग ठीक वहाँ से लेकर सभी लोगों को। तो हमारे गढ़वाल में ऐसे पंडित जी का स्वागत किया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद शायद उनके गांव में भागवत है भाई लोगों के जो अभी गए आगे, तो इस तरह से पंडित जी का स्वागत किया जाता है गढ़वाल में। हाँ देखिए दोस्तों, गाड़ी चल रही है ठीक 50 की स्पीड से और हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो इन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच स्कूटी को लेके चल रहे हैं। तो मैं हूँ बुआखाल में और यहाँ से देखिए आप लोग, जो रामनगर थैली सैन लिखा है ऊपर, जो उसके इधर के जो किलोमीटर लिखा है वो फटा हुआ है, उधर ही सप्तुली और कोरदार है उधर की साइड भी फटा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार की हालतें हैं। और वहाँ देखिए किलोमीटर, इतने इतने किलोमीटर का हिस्सा सही है किलोमीटर लिखा हुआ पर उधर का पूरा फटा हुआ है। तो अभी मैं हूँ बुआखाल में और यहाँ से पल्स जो है पल्स, कॉन्स्टेबल से रिसेप। दोस्तों अभी मैं हूँ घने जंगलों के बीच और आज है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये देखिए आप लोग,
आग लगने की वजह से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, बांज का फल बुरांस या जो भी पेड़ हैं, तो सारे जल के राख हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं भी हूँ ठीक सबलोड़ी के जंगल में, यहाँ से देख सकते हो आप लोग। तो सबलोड़ी के जंगल के बीचों बीच हूँ मैं भी, और यहाँ से सबलोड़ी गांव ठीक दिखाई दे रहा है, उसके नीचे धारी गांव, धरगियों बोलते हैं वैसे। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो है दोस्तों, कई लोगों ने पेड़ लगाए होंगे तो कई लोगों ने पेड़ जलाए भी हैं इस बार, और ये हकीकत बात है कि उतने पेड़ नहीं लगे होंगे जितने पेड़ जल गए हैं इस 2024 की अग्नि यानी कि आग लगने से। तो देखिए इन पेड़ों की हालत क्या हो रखी है। तो आसमान भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गजर रहा है, बहुत जोर। तो दोस्तों टाइम हो गया है लगभग 7 बजने वाली हैं, और मुझे गुड़िया लेने आया है नीरज। तो मैंने ना पहले पौड़ी से गुड़िया तक दोस्त की बाइक में आया, स्कूटी में आया, और वहाँ से अब मैंने नीरज को फ़ोन किया। अब नीरज मुझे लेने आया था, तो पेपर छोड़ा था 4 बजे और मतलब 6:30 का टाइम हो चुका है, यानी 7 बजने को केवल 10 मिनट हैं। तो दोस्तों ये है नीरज की बाइक और नीरज मुझे लेने आया, तो चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों मेरा फ़ोन हो चुका है स्विच ऑफ, तो मैं नीरज के फ़ोन से भी वीडियो बना रहा हूँ, तो फ़ोन में भी अब चार्ज है नहीं।